हेलो भाई दोस्तों, मैं आपका दोस्त आटो राजकुमार। तो कैसे आप, आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज आपको एक काम का वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, काम की जानकारी देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कभी कभार आपको जो ड्राइवर आए दोस्तों, अचानक गाड़ी रनिंग में हाफ हो जाती है, बंद पड़ जाती है गाड़ी। अगर आप हम चाबी लगाते हैं तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो सामने डैशबोर्ड में लाइटा भी नहीं आते, तो हम समझते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई क्या नहीं। मैकेनिक के पास बोलने की फ़ोन करने की कोशिश करते हैं या किसी ड्राइवर को फ़ोन लगा के पूछते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूं। तो आज का जो वीडियो दोस्तों काम का होने वाला है, आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी गाड़ी या चाबी से स्टार्ट नहीं हो रही है और लाइटा भी नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या चेक करने का है और गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी, आज इसका वीडियो बनाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। चलिए, तो बहुत जनों को लगता है दोस्तों गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है या वायरिंग में प्रॉब्लम आ गई है बोल के, ऐसा बहुत जनों को लगता है। तो बहुत जने मेरे जो नज़दीक के लोग आए दोस्तों, उन लोगों ने मुझे ये डाउट पूछा। पहले तो मेरे को भी आइडिया नहीं था दोस्तों, जब मैंने 2013 का मॉडल लिया उसके बाद से मुझे पता चला दोस्तों, उसमें के कामा निकलते गए तो मुझे उसका एक्सपीरियंस होते हुए गया। तो आज इतनी नॉलेज है कि दोस्तों मैं गाड़ी कुछ भी अगर गाड़ी में प्रॉब्लम आता है तो मैं दूसरे को बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। तो आज आपको ये प्रॉब्लम बताने वाला हूँ दोस्तों, इसका प्रॉब्लम मेन रीज़न क्या है और वो आपको दिखाने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिए दोस्तों और पूरा वीडियो देखिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आटो राजकुमार का चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और ये किसी आपको पहचान वाले को या कोई ड्राइवर को आप ये वीडियो शेयर भी करिए दोस्तों, तो उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो मेरी नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप ये नॉलेज के दूसरों को भी शेयर करिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कहाँ पर प्रॉब्लम आता है। देखो दोस्तों, मेरी ये चाबी है, अभी मैं चाबी को बंद करता हूँ। चाबी देखिए, अभी चाबी बंद किया हूँ तो कुछ भी लाइटा नहीं आ रहे, तो समझ लीजिए कि गाड़ी बंद है दोस्तों। पर अगर मैं गाड़ी चाबी चलाता ऐसा स्टार्ट करता हूँ और अगर ये लाइटा नहीं आए दोस्तों और गाड़ी स्टार्ट भी ना हो, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और बहुत जानकारी वाला होने वाला है और आपको। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो आपको फ्यूज़ दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये वाला इश्यू बोलते हैं, फ्यूज़ बोलते हैं इसको। अगर ये बैटरी से और इंजन को कनेक्ट है दोस्तों, बैटरी को और क्या कि इंजन से कनेक्ट है, ये इश्यू बोलते हैं इसको, फ्यूज़ बोलते हैं। अगर ये ख़राब हो जाए दोस्तों, तो आपको बैटरी का करंट बॉडी में सप्लाई नहीं होगा, इंजन में सप्लाई नहीं होगा और सामने आपके डैशबोर्ड में भी सप्लाई नहीं होगा दोस्तों, वहाँ पर भी, मतलब आपका इंजन से कनेक्शन कट जाएगा, आपका इंजन से कनेक्शन कट जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए फ्यूज़ है दोस्तों, ये बैटरी की तरफ रहता है, ये 2022-23 का मॉडल है दोस्तों, जो सामने आ रहा है। और पुरानी गाड़ियों को भी तो दोस्तों एक गड्ढे टाइप में रहता है, एक छोटी डब्बी रहती है दोस्तों, 2013 का जो मॉडल है दोस्तों तकरीबन, तो 2013 का जो मॉडल है ना दोस्तों, 2013 के मॉडल में ऐसी डब्बी आती है बैटरी के पास एक छोटी डब्बी आती है, उसमें फ्यूज़ आते हैं और वो ऑटो पार्ट्स वाले के पास रहता है दोस्तों, वायर के साथ रहता है वो। तो फ्यूज़ अगर ख़राब हो जाए दोस्तों, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। आप किक पे स्टार्ट कर सकते हो, आप गाड़ी किक पे स्टार्ट कर सकते हो, पर चाबी पे स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और दोस्तों मतलब ये अगर आप ये बगैर फ्यूज़ डाले गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा लगेगा, 2013 के मॉडल के बाद का बोल रहा हूँ दोस्तों, कि गाड़ी में जो बीमार आदमी के साथ चलता है उसी तरह से गाड़ी भी बराबर सही तरह से नहीं चलेगी, मतलब एक्टिव तरीके से नहीं चलेगी दोस्तों, ज़बरदस्ती को आपको मज़ा ही नहीं आएगा गाड़ी चलाने में। आपको जो है फ्यूज़ डालने के बाद मस्त में गाड़ी चलेगी, अगर बगैर फ्यूज़ के आप गाड़ी चलाते हो तो उसको ऑयल नहीं मिलेगा, ऑयल पंप का जो रहता ना दोस्तों, जो मोटर रहती है, मोटर को ऑयल नहीं मिलेगा, उसके सेंसर को बराबर करंट नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से गाड़ी बराबर नहीं चलती है। अगर आप वो फ्यूज़ डाल देंगे तो बराबर मतलब गाड़ी में जान आ जाएगी दोस्तों। और आपको बता चुका हूँ कि बैटरी के पास वहाँ पर फ्यूज़ होता है, ये 2023 का मॉडल है तो यहाँ पर है, और 2013 का जो मॉडल है दोस्तों, बैटरी के पास एक फ्यूज़ डब्बी आती है, वो डब्बी में से आप फ्यूज़ निकालिए, ख़राब निकाल दीजिए और नया डाल लीजिए दोस्तों, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं भी अगर आपकी गाड़ी रुक जाए तो पहले आप ये चेक करिए दोस्तों, एक तो गाड़ी की चाबी लगा के देखिए सामने आपके डैशबोर्ड में लाइटा आ रहे या नहीं आ रहे, अगर लाइटा नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए बैटरी का फ्यूज़ उड़ गया है। वो फ्यूज़ जो है दोस्तों 5-10 रुपये का रहता है, बस 5-10 रुपये का रहता है, इसको बोलते हैं ECU फ्यूज़ बोलते हैं उसको, बैटरी के पास का। और दोस्तों गाड़ियों के अभी 2023 के हॉर्न का, लाइट का और वाइपर का, उसका ECU कहाँ पर आपको बताता हूँ, आप देखिए ज़रा।
तो ये दोस्तों बैटरी के नीचे डैशबोर्ड के नीचे रहता है दोस्तों, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों ECU, यहाँ पे आपको लिखा भी मिल रहा होगा, देखो दोस्तों ECU। तो ये आपको हॉर्न का, वाइपर का, लाइटों का, इंडिकेटरों का, ये सब फ्यूज़ा यहाँ पर है दोस्तों, डैशबोर्ड के नीचे है। तो यहाँ पे अगर आपका कुछ भी ख़राब होता है, अगर आपकी लाइटा या वाइपर या हेडलाइट, कोई सा भी स्विच अगर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे स्विच होता है, वो फ्यूज़ होता है, वो फ्यूज़ को डालिए आप, तो गाड़ी एकदम से ठीक हो जाएगी, हॉर्न भी काम करेगा। हर एक चीज़ का फ्यूज़ आपको डैशबोर्ड के नीचे दिखा है। अगर गाड़ी स्विच चाबी से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो बैटरी के पास के फ्यूज़ का प्रॉब्लम है दोस्तों। वहाँ पे अगर फ्यूज़ डाल देंगे तो गाड़ी एकदम से मस्त चलेगी, कोई टेंशन नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको नॉलेज बहुत काम में आने वाली है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।